क्योंकि हम मुसलमान किसी के सामने मुजरा कर कर किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि अपने रब को राजी करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बूढ़े हैं, अकेले हैं, जा रहे हैं खुशी है इस बात की, लेकिन अगर नौजवानों का एक तबका, एक जमात भी इन्हें ज्वाइन कर लेती तो और भी मजा आ जाता। मेरा नाम शेख वासिफ है, आ रहा हूँ हज के उम्रे के लिए जा रहा हूँ भैरव साइकिल से। मेरा इरादा हुआ है इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान ईरान इराक होते हुए सऊदी पहुँचना है। कितने दिन का सफर है? सफ़र 3 से 3.5 महीने का सफ़र है इंशाल्लाह, और अगर हालात सही है तो उससे जल्दी पहुँच जाएंगे, हालात अगर कुछ गड़बड़ हुई तो और भी देर हो सकती है। सब ऐसा क्या मुद्दा ले लेते थे आप साइकिल पर जाने की? ये मुद्दा जो है मिशन द पीस, दुनिया में शांति के हमको दावत करना है। हमने इस्लाम में 6 चीज़ पढ़ दिया, कलमा, नमाज, रोज़ा, जकात और हज। उसके अलावा दावत तबलीग, हम लोगों को दावत करते हैं लोगों कि दुनिया में अमन कायम करो। ये साइकिल पे जा रहे हैं आप, चाहे गाड़ी में भी जा सकते हैं, चाहे कार में भी जा सकते हैं, चाहे प्लेन से भी जा सकते थे, ये आप साइकिल पे जाने का मतलब? देखो, खास करके जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो है सबसे बेहतर हज वो है जो पैदल हो, और पैदल हज में एक कदम के बदले में 1-1 लाख का नेकी मिलता है। हमको कोशिश करना है बार बार। ये सफ़र एक मकदस सफ़र है, ये पैदल हज ज़्यादा सवाब भी है और लोगों को दावत तबलीग का भी मौका मिलता है इसमें, और लोगों को बताना है कि हमारे पास दो ही रास्ता है, एक अल्लाह का हुक्म, दूसरा नबी का तरीका। हमको नबी के तरीके को फॉलो करना है, दूसरे किसी के तरीके में हमको कामयाबी हरगिज नहीं है। हमको एक ही तरीके की कामयाबी है, वो है अल्लाह के रसूल के तरीके में कामयाबी है। सब क्या काम करते हैं? मैं पैसे से ड्राइवर हूँ,